हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए थे, तो आज के लेक्चर में हम फिर से 5 एमसीक्यूज करेंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लेक्चर में मैं फिफ्थ वाला एमसीक्यू आपके लिए छोड़ूंगा एज ए होमवर्क। सिंपल है, अगर सही आंसर निकाल लेते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना, ठीक है? अगर नहीं निकला फिर मेरे को बताना, सर ये सॉल्व नहीं हो रहा, कैसे करना है। क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना लेक्चर को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर वन इज दिस, यू हैव sec रेस टू पावर 4 माइनस x स्क्वायर। इसका आपको वैल्यू बताना है, ये चार ऑप्शन है। देख लो, ये sec में आपको पूरा tan में लेके आना है या फिर इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। मेरे करने से पहले आप खुद भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, पॉज कर लो वीडियो, ट्राई करो। मैं थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाता हूं, आप सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, देखो आप कितनी जल्दी इनको कर पाते हो। फिर अपने आंसर मैच करने के लिए फिर उसके बाद मेरा वीडियो देखो, ठीक है? ओके, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए यहां पर इसको कैसे हम कोशिश करेंगे टैन में लाने की। देखो ये दोनों सेक हैं, तो सेक रेशियो आई कैन टेक कॉमन विद हाईएस्ट पावर दैट इज सेक स्क्वेयर। तो सेक स्क्वेयर इसमें से कॉमन, यहां पर आपके पास बचा सेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन। ठीक, अब ये जो सेक्स स्क्वेयर थीटा माइनस वन है ये किसके इक्वल होता है? ये टैन स्क्वेयर के इक्वल होता है। सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी, सेक्स स्क्वेयर थीटा माइनस टैन स्क्वेयर थीटा होता है वन के इक्वल, तो उसी से आप बना सकते हो सेक्स स्क्वेयर थीटा माइनस वन इक्वल टू टैन। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक्स स्क्वेयर थीटा इंटू टैन स्क्वेयर थीटा। तो भाई ये वाली टर्म तो मैं टैन में लेके आ गया। अब ये जो सेक्स स्क्वेयर बचा हुआ है जो कि वहां पर कहीं सेक है ही नहीं, तो इसको भी टैन में लिख लो उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो sec square को यू कैन राइट वन प्लस tan square। अब ये tan square जो बाहर है ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको दिखेगा tan square और tan raise to power 4। अब देखो ये ऑप्शन कहीं पर है वहां पर, यस सर, सी ऑप्शन। तो सी इज द राइट ऑप्शन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, छोटा है बट कई बार कंफ्यूज करता है, दैट इज प्यार से हमने इसको बना लिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर टू, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, sec माइनस टेन। अब ये क्वेश्चन मैंने sec और tan का लिया है, ये cosec और cot का भी हो सकता है, यहां मैंने माइनस लिया प्लस भी हो सकता है, यानी चार क्वेश्चन इसके बन जाएंगे बड़े आराम से। sec tan माइनस प्लस के साथ दो क्वेश्चन, फिर cosec और cot प्लस माइनस के साथ दो क्वेश्चन, वो चार क्वेश्चन बन जाएंगे, करने का पैटर्न सेम है। यू हैव sec माइनस टेन इक्वल टू एक्स, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा। अब यहां पर sec थीटा पूछा हुआ है, आपको tan थीटा भी पूछा जा सकता है, अगर cosec cot में है तो cosec या cot भी पूछा जा सकता है, आंसर आपका x में ही आएगा। अब देखते हैं इसमें से कुछ बनता है या फिर none of these होगा। तो मेरे बच्चे sec माइनस tan इक्वल टू x कैसे करें, कैसे निकालें sec का वैल्यू? sec का वैल्यू पूछा हुआ है। फिर से जो इस क्वेश्चन में आपने आइडेंटिटी अप्लाई की sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखो यहां पर मैं वो आइडेंटिटी लिख रहा हूं, sec square theta minus tan square theta किसके इक्वल होता है बेटा? वन के इक्वल होता है। तो इसी आइडेंटिटी से आप एक रिलेशन बना सकते हो, sec theta plus tan theta is equal to what? वन by sec theta minus tan theta। अब बोलेंगे सर ये कैसे बना दिया आपने? ये आपको दिख रहा है ना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया एनसीईआरटी से, वहां मैंने डिटेल में ये सारे फॉर्मूले डिराइव करा रखे। तो अभी देखो इसको लिखेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो प्लस वाला फैक्टर मैंने यहां रखा, माइनस वाला उठा के इधर ले गया। तो यानी सेक को टैन और सेक को सेक माइनस टैन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सम और डिफरेंस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर आपको सेक माइनस टैन एक्स दे रखा है तो इसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी सेक प्लस टैन किसके इक्वल होगा? वो वन बाई एक्स के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो वैल्यू इनके डिफरेंस की होगी सम की उसके रेसिप्रोकल एंड वाइस वर्सा, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस। डन, अब आपको sec फाइंड करना है, तो भाई इनको आप ऐड कर दो, उससे क्या होगा tan कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख पाएंगे यहां पर ट्वाइस ऑफ sec आ गया। तो इनको आपने प्लस किया x प्लस वन बाई एक्स, तो यू हैव टू फाइंड sec और आंसर यहां कहीं x में लेके आना है जो कि आ रहा है। बस आप पहले इसका एलसीएम ले लो, x एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, यहां से टू हटाओ वो इसके डिवाइड में ले लो, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्या वो यहां पर कहीं ऑप्शन में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा। डन, वेरी सिंपल। सिमिलर क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है,
कई बार कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी नोटबुक पे अलग से इसके नोट्स बनाते जाओ जितने एमसीक्यूज में आपको करवा रहा हूं। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम आंसर भी इनका सेम ही आएगा। यहां पर साइन प्लस साइन स्क्वायर है और आपको कॉस में कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर कॉस और कॉस स्क्वायर और साइन में कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। करने का पैटर्न भी दोनों का सेम है, आंसर भी सेम आता है। देखो कैसे करना है, आपको ये जो कंडीशन दे रखी है ना, साइन प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू वन, अब यहां से बड़ी प्यारी सी एक आइडेंटिटी बन जाएगी जो आपकी फेवरेट आइडेंटिटी है। वो कैसे, सिर्फ आप इस साइन स्क्वायर को वन की तरफ ले जाओ तो आप देखेंगे साइन थीटा आ रहा है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर को मैं वन को वन के पास ले गया, नाउ व्हाट इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना आपकी फेवरेट है कॉस स्क्वायर, तो यू कैन राइट नाउ साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आते समझ, तो आपने एक रिलेशन बना दिया कि जो साइन थीटा है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन के इक्वल है। अब देखिए यहां पर कॉस स्क्वायर इसको मत छेड़ो, यहां पर इसको एज इट इज रहने दो, इट इज कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आपके पास है कॉस की पावर 4, इसको थोड़ा हम रिड्यूस करेंगे मेरे बच्चे। ये जो 4 है ना, पहले तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया, पावर को ब्रेक कर दिया। अब जो कॉस स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, साइन के इक्वल। इस वाले कॉस स्क्वायर को साइन लिख लो, इस वाले को मत लिखना, इसको छेड़ना ही नहीं, पहली टर्म को छेड़ना ही नहीं, चाहे ये क्वेश्चन है चाहे ये क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर को कुछ नहीं करना। तो आपने कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा, ये कॉस स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है साइन, इस कॉस स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दोगे, साइन, और ऊपर पावर 2 तो पहले से बैठी हुई है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया, तो 1 इज द राइट ऑप्शन। आते समझ, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4th बड़े आराम से कर सकते हो, ये कॉस स्क्वायर उधर जाएगा, ये बनेगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो हो जाएगा साइन स्क्वायर, यानी आपके पास रिलेशन क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन आएगा, कॉस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर को मत छेड़ना, इस साइन की पावर 4 को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर को क्या लिख लोगे, कॉस, तो ये दोनों मिलकर बना देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1, 1 इज द ऑप्शन। दैट्स ऑल, ये थे 4 एमसीक्यूज, वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़े मतलब है तो शॉर्टकट में है लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, बट आप नोट्स बनाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मेरे बच्चे लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, ध्यान से समझना, यहां पर कोसेक का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 1/4x, कोसेक का वैल्यू दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है कोसेक प्लस कॉट। आप भी करना, ठीक है, फिर मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बनाऊंगा, पर मैं वेट करूंगा, पहले आप अपना आंसर मेरे को सेंड करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस आपके सामने है 2x, 1/2x, 2x स्क्वायर, या फिर नन ऑफ दिस। फिर आपका जो आंसर है, अगर इसमें से नहीं आ रहा है, आपका जो आंसर आ रहा है वो वाला सेंड करना। वेरी इंटरेस्टिंग, इस पार्ट का थोड़ा सा रेसिप्रोकल है, क्वेश्चन नंबर 2 का उल्टा काम है। यहां पर आपको sec और tan ये गिवन है, जैसे यहां पर ये फाइंड करना है, इस तरह की कोई टर्म यहां पर गिवन है, ठीक है, जो यहां फाइंड करना है और ऐसा कुछ यहां पर गिवन है, और जो आपको यहां फाइंड करना है वो यहां पर गिवन है। थोड़ा उल्टा है ना क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ट्राई करें, फिर देखते हैं नेक्स्ट कैसा आपका रिस्पॉन्स आता है। आज के लिए इतने बचे, थैंक यू।